नमस्कार, मैं उप्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। कौन मारेगा बाजी में आज हम बात करेंगे बांका विधानसभा क्षेत्र की। बिहार विधानसभा चुनाव अब काफी नजदीक आ गए हैं, अब चुनावी रैलियां भी शुरू हो गई है। लगातार पार्टियों द्वारा चुनावी मैदान में हुंकार भरने वाले प्रत्याशियों के नामों की भी घोषणा हो रही है। वहीं आज हम बात करेंगे बांका विधानसभा क्षेत्र की। बांका निर्वाचन क्षेत्र बांका लोकसभा संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। बांका विधानसभा सीट पर वर्तमान में राजद और भाजपा के बीच में मुकाबला है। राजद ने जहां जावेद अंसारी को टिकट दिया है, तो वहीं भाजपा ने अपने पुराने उम्मीदवार राम नारायण मंडल पर भरोसा करते हुए एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। बांका विधानसभा क्षेत्र में चल रही राजनीतिक घटनाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर बांका विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक इतिहास के बारे में। चुनावी साल 2015 की बात की जाए तो भाजपा और राजद के बीच मुकाबला हुआ था। भाजपा के टिकट से राम नारायण मंडल थे, वहीं राजद के टिकट से जफरुल होडा मैदान में उतरे थे। नारायण मंडल को 52,379 वोट मिला था, वहीं जफरुल होडा को 48,649 वोट हासिल हुआ था। दोनों के बीच कांटे की टक्कर रही थी। अब हम चुनावी साल 2010 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस साल भी भाजपा और राजद के बीच कड़ा मुकाबला रहा था। राजद से जावेद इकबाल अंसारी और भाजपा से राम नारायण मंडल के बीच भिड़न थी। चुनावी मैदान में कुल 2,410 वोट से राम नारायण मंडल विधायक चुने गए थे। साल 2014 में भी भाजपा से ही राम नारायण मंडल विधायक रहे थे। वहीं अब हम चुनावी साल 2010 की बात करें तो इस चुनावी साल में राजद से जावेद इकबाल अंसारी विधायक हुए थे। साल 2005 के फरवरी महीने में भी वो विजेता रहे थे, लेकिन साल 2005 के अक्टूबर में राम नारायण मंडल विधायक रहे। चुनावी साल 2000 में भी उन्हीं का वर्चस्व रहा था। 1995 में जावेद इकबाल अंसारी और 1990 में राम नारायण मंडल विधायक रहे थे। इस सीट पर 1990 से 2014 तक इन्हीं दो विधायकों के बीच भिड़ंत रही थी और दोनों एक दूसरे पर भारी पड़े थे। क्षेत्र के विकास कार्यों की तरफ एक नजर डाले, जो विकास कार्य हुए हैं उसे नकारा नहीं जा सकता। 35 गांव में पुलिया का निर्माण किया गया है, वहीं 25 गांव में सड़क का निर्माण हुआ है, उन्हें मुख्य मार्ग से जोड़ा गया है। पेयजल और बिजली की सुविधा हर गांव में मिली है। चुनावी मुद्दों की तरफ देखें तो सड़क जाम, शहर में जल जमाव, सड़कों पर अतिक्रमण से लोग परेशान हैं, किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी है, ना उनके लिए कोल्ड स्टोरेज का निर्माण हुआ है, चिकित्सा के क्षेत्र में सुधार होने हैं, वहीं महिला कॉलेज की स्थापना की मांग है। साल 2020 के चुनाव में यह सीट एनडीए की तरफ भाजपा के खाते में गई है, वहीं महागठबंधन से यहां राजद की ही दावेदारी है। राजद ने इस सीट पर अपने पुराने चेहरे जावेद अंसारी को उतारा है। वहीं भाजपा ने भी इस सीट पर 5 बार विधायक रह चुके राम नारायण मंडल को ही टिकट दिया है। वे राज्य सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। पिछले चुनाव में जावेद अंसारी 3,730 वोट से शिकस्त गए थे। इसी साल इस निर्वाचन सीट पर लड़ाई जबरदस्त होने वाली है। इस विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर होने की पूरी संभावना है। ऐसे में देखना यह दिलचस्प रहेगा कि आज तक रह चुके दोनों विधायकों में इस साल विधायक की कुर्सी किसके पास जाती है और जनता किसे अपना नेता चुनती है। इसी के साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।